हेलो फ्रेंड, आज शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यानी एक औरत की तस्वीर या कह लें उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से ये चैप्टर है। इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी एक बूढ़ी औरत थी। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, उससे समझने में आसानी होगी। लाइक एवरी बॉडी ग्रैंड मदर, जैसे कि हर किसी की दादी होती हैं। She had been old, वो बूढ़ी हो चुकी थी। And wrinkled for the 20 years, और जैसे जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके चेहरे पर जो झुनझुनी आ जाती है उसी को कहते हैं रिंकल। उसकी थर्ड फॉर्म है रिंकल्ड, ईडी पड़ गया है। रिंकल है असल में, ईडी थर्ड फॉर्म के लिए आता है, सबको मालूम है। तो ये थर्ड फॉर्म आ गई रिंकल, यानी उनके चेहरे पर झुझरी आ गई थी। वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी और उनके चेहरे पर झुझरी आ चुकी थी। फॉर द 20 ईयर्स, तकरीबन 20 साल से। फॉर द ट्वेंटी ईयर्स तकरीबन 20 साल से। डैट आई हैड नाउ हर, जब से मैं उनको जानता था, यानी जब से हमने उनको देखा तो बूढ़ी ही थी, जैसे कि अक्सर ऐसे होता रहता है। पीपल सैड, लोग कहते थे, डैट शी हैड ऑनेस्ट बीन यंग, वो भी कभी नौजवान हुआ करती थी। एंड प्रीटी, और खूबसूरत। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, ये हैड जो है पास्ट इंडेफिनिट का है और ये हैड जो है पास्ट परफेक्ट का है। और वो यहाँ, और उनके शौहर भी थे, ये ट्रांसलेट करेंगे, और उनके शौहर भी थे। यानी हैड ये पास्ट इंडेफिनिट का और ये पास्ट परफेक्ट का है, यानी उनके शौहर भी थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।